हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें 49,568 पदों को लेकर बड़ी खबर। आप सभी को बता दें 49,568 का जो रिजल्ट है वो इसी महीने जारी होगा, और क्या रिजल्ट है पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो मिलेगी। अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट सीधे आपके मोबाइल और आपके घर तक प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें 49,568 पदों का रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा था कुछ दिनों पहले यहाँ पर नोटिस जारी हुई थी, जिसमें यही बताने की कोशिश की थी जो आपकी DVPST और रिजल्ट वो आपके नवंबर में कंप्लीट करा दी जाएंगे। मतलब यहाँ पे दिसंबर से पहले आप सभी की जो भी भर्ती प्रक्रिया है आपको यहाँ पे ट्रेनिंग छोड़ के बाकी सब यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं आज हो गई है 7 नवंबर और अभी भी कोई अपडेट ये नहीं आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जब तक कोई अपडेट नहीं आएगा तो मैं यूपी पुलिस की कोई भी फर्जी वीडियो नहीं अपलोड करूंगा। लेकिन आप सभी की कमेंट पे कहने पे मैंने बताने की कोशिश की है कि आप में से जो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं जो रिजल्ट है वो 8 नवंबर को जारी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें अभी भी हालांकि अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि भर्ती बोर्ड अब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देगा, सीधा आपका रिजल्ट अपलोड करेगा। और फ्रेंड्स, आप सभी को मान लीजिए, ये मान के चलिए आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग सेफ जोन में आ रहे हैं और अच्छा खासा आप लोग स्कोर कर ले जा रहे हैं, अगर आपने कट ऑफ की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। अगर आप उस कट ऑफ में सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फ्रेंड्स जरूर रनिंग स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे भर्ती बोर्ड आपको 1 से 2 दिन का गैप देने वाला है। जैसा कि 41,520 में हुआ था कि वहाँ पर भी आधे ज़्यादा अभ्यर्थी दौड़ नहीं पाए थे, वहाँ पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों और सेकेंड मेरिट लिस्ट लगानी पड़ी थी। तो वो हालात आपके भी पैदा ना हो जाए, इसीलिए आप क्या करिएगा कि आप यहाँ पर रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर रनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए और वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली, मेरा एक फ्रेंड उसने भी ऐसे किया था कि उस इतनी रनिंग वो प्रैक्टिस कर रहा नहीं था, लेकिन वहाँ पे वो बता रहा था कि जो भी माहौल बनता उससे हम लोग रनिंग निकाल लिए थे। तो आप सभी भी ऐसे करिए कि थोड़ी थोड़ी मतलब स्टेमिना डेवलप कर लीजिए, रनिंग अपने आप वो टाइमली हो जाएगी। और सभी आप सभी में जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 52,000 वैकेंसीज और 5,000 वैकेंसीज, तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 5,000 वैकेंसी तो 100% आएगी, लेकिन 52,000 वैकेंसी अभी नहीं आएगी, अगली साल आएगी। आप सभी जानते हैं कि यूपी का यही हाल है कि एक वैकेंसी आती नहीं है, दूसरी वैकेंसी ला दी जाती है। मतलब 41,000 पूरी हुई नहीं थी, 49,000 का पेपर भी करा दिया गया। अगर यही नहीं पूरी हुई थी तो इसका पेपर किस लिए कराया गया पता नहीं। लेकिन आप सभी को बताते हैं कि यहाँ पे 41,000 वैकेंसी का कोई भी यहाँ पे इस पे इफेक्ट नहीं आ रहा, बस इफेक्ट यही आ रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर की शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने यहाँ पे बता दिया गया कि जो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग है वो अगले साल जून 2020 में हो पाएगी, उससे पहले आपका कोई चांस नहीं है। बट ये पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, मतलब 30 से 32,000 अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, वो यही कह रहे हैं कि अभी आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, बाद में आप हमको 1 साल बाद ट्रेनिंग दीजिए, कभी भी ट्रेनिंग दीजिए, उससे ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे जो ओवर एज हो रहे हैं उनकी लाइफ का सवाल है, मतलब उनकी जॉब ऑप्स को लेकर सवाल है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो भी जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं सही होती है, तो वो उनके चक्कर में वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ मैं बस हमको पता चल जाए कि हम पास हैं कि फेल हैं, अपने हिसाब से आगे की प्रिपरेशन करें, किसको जिस स्पीड में जाना उसकी प्रिपरेशन करें। लेकिन यहाँ पे बता दें कि जो 49,568 पदों का रिजल्ट है वो यहाँ पे भर्ती बोर्ड कोशिश कर रहा है कि कोशिश भी यही कहा है कि, और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आया, कुछ लोगों ने उसको फेक बताया था। लेकिन आप यहाँ पे मान लीजिए कि जो रिजल्ट है वो आपका नवंबर तक जारी हो जाएगा। अगर इससे जुड़ी जो भी अपडेट आती है या कोई भी नोटिफिकेशन या अभी है या 1.5 घंटे बाद भी आता है, तो आपको पल पल की अपडेट आपके मोबाइल और आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल दोस्तों आपसे जा चाहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।